तानाशाही भरा रवैया क्या हो सकता है कि मोदी जी चाहते हैं कि आज संसद में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाए। पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसी तमाम जांच एजेंसीज को अब के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डरी हुई और कमजोर सरकार है। मैं जानना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी की बेटी जो अवैध बार चला रही है गोवा में, उनके घर पर क्यों नहीं जाकर ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल करती है? और आज भी मोदी जी को राजधर्म याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर वो राजधर्म याद करते तो योगी जी चर्बी और गर्मी उतारने की बात ना करते उनकी नाक के नीचे। देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है ये रस्म के कोई न सर उठा के चले। इससे ज्यादा तानाशाही भरा रवैया क्या हो सकता है कि मोदी जी चाहते हैं कि आज संसद में महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाए। मोदी जी चाहते हैं कि संसद के भीतर हर वो शब्द जो उनसे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको असंसदीय घोषित कर दिया जाए। मोदी जी चाहते हैं कि देश की सड़कों पर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन बंद हो जाए। मोदी जी चाहते हैं कि जहां पर खुद सुषमा स्वराज जैसे विपक्ष के तमाम नेताओं ने जब यूपीए की सरकार थी जिस राजघाट में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया, वहां पर आज विपक्षी दलों को कोई परमिशन ना दी जाए। मैं समझती हूं इससे ज्यादा तानाशाही भरा रवैया कुछ नहीं हो सकता, ये पहली बात। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा महत्वपूर्ण सवाल है, पुलिस, सीबीआई, ईडी जैसी तमाम जांच एजेंसीज को अब के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डरी हुई और कमजोर सरकार है। कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही है कि संसद में जीएसटी पर बात करिए, जो आपने खाने पीने की चीजों को तक नहीं बख्शा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है महंगाई पर बात कीजिए, अग्निपथ पर बात कीजिए, जांच एजेंसीज के दुरुपयोग पर बात कीजिए, तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। मैं ये आज जानना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से 55 घंटे तक पूछताछ की क्या सामने निकल कर आया, आपने रॉबर्ट वाड्रा को बुलाकर पूछताछ की क्या निकल कर आया, सुभाष चंद्र बोस की फाइल्स का बहुत हवा बनाते थे कि पता नहीं कौन से राज दफन है, क्या सामने निकल कर आया? आज ईडी की कन्विक्शन रेट 1% इसलिए है क्योंकि उसे सिर्फ एक प्रतिशोध की राजनीति का माध्यम बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। आज तक ईडी के 5,422 केस चल रहे हैं जिसमें से 5,300 केस 8 साल में मोदी जी ने केवल विपक्ष के नेताओं पर किए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि अडवाणी जी का नाम जब हवाला जैन डायरी में आया तो उनके ऊपर क्यों नहीं ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा? मैं जानना चाहती हूँ कि स्मृति ईरानी की बेटी जो अवैध बार चला रही है गोवा में, उनके घर पर क्यों नहीं जाकर ईडी और सीबीआई जांच पड़ताल करती है? मैं जानना चाहती हूँ कि येदुरप्पा जी के घर पर क्यों नहीं सीडी और सीबीआई या ईडी का छापा पड़ा? कोई भी ऐसा एक विपक्ष का बड़ा नेता बताइए जिसको डराने या धमकाने की कोशिश ना की गई हो, और कोई भी ऐसा सत्ता पक्ष का नेता बताइए जिससे एक भी सवाल पूछा गया हो। ये प्रतिशोध की राजनीति जो करते हैं वो चाहते हैं कि देश का लोकतंत्र कमजोर हो, वो चाहते हैं कि सरकार को कटघरे में ना खड़ा किया जाए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, चीन की घुसपैठ पर, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था पर कोई सवाल ना पूछा जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी में कितनी मजबूती है ये हम साबित करके दिखाएंगे। देखिए, सवाल जो जांच को किसी ने जांच में अवरोध हुआ क्या, मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने अभी बोला राहुल गांधी जी ने तो 55 घंटे सवालों के जवाब दिए, फिर ईडी सिलेक्टिव लीक करती है और ये कहती है कि सहयोग नहीं दिया। सोनिया गांधी जी से क्या सवाल पूछे, मीडिया कहाँ से चला रही है, ईडी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? ये किसके एजेंडा के तहत काम हो रहा है, किसके दबाव के तहत काम हो रहा है? कांग्रेस पार्टी तो कह रही है आप सवाल पूछिए, इन कैमरा सवाल पूछिए, पारदर्शिता के साथ पूछिए, पूरे देश को पता चले कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्या मिल रहे हैं। ये सिलेक्टिव लीक कर करके विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करना, क्या साक्ष्य हैं आपके पास? पीएमएलए के अंतर्गत कौन सी एफआईआर आपने दर्ज की है सवाल पूछने के लिए? ये सारे अगर इस तरह से प्रतिशोध की राजनीति होगी तो उसके खिलाफ क्या शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं हो सकता है? मैं तो ये कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के पास विरोध है। एसआईटी के सामने गए थे, ईडी के सामने नहीं गए थे, और एसआईटी के सामने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, राजधर्म याद दिलाया था उन्हें। और आज भी मोदी जी को राजधर्म याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर वो राजधर्म याद करते तो योगी जी चर्बी और गर्मी उतारने की बात ना करते उनकी नाक के नीचे, अनुराग ठाकुर गोली मारो सालों को ना कहते, प्रज्ञा ठाकुर इस देश के राष्ट्रपिता के को गाली गलौच करते हुए नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन ना करती, और वो ये ना कहते कि मैं मन से माफ नहीं कर सकता, इस देश की अर्थव्यवस्था ढप से धड़ाम होकर गिर ना रही होती, पिछले 80 सालों में रुपये की सबसे बदहाली ना होती, किसान 27 रुपया ना कमा रहा होता, आज हमारा
हमारा देश विश्वगुरु ना बन रहा होता भुखमरी में और ना बन रहा होता। ये सारी चीज़ें अगर राजधर्म निभाते तो मोदी जी ये देश को आज इस बदहाली से नहीं गुजरना पड़ता। तो आज बहुत ज़रूरी है कि जो कहा जाता है ना, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो जैसे बहुत हुई महंगाई की मार एक फ्लॉप नारा साबित हुआ है, वैसे ही सबका साथ सबका विकास भी इस सरकार के अंतर्गत एक फ्लॉप नारा है।